ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ। आज की कहानी है पीपल के भूत, पुनीता त्यागी की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। एक बार की बात है, मिस्टर पुरी की बेटी काजल की शादी थी। घर में शादी का माहौल था, शादी की रस्में चल रही थी, औरतें गीत गा रही थी, काजल की मेहंदी की रस्म चल रही थी। शाम हो गई थी, काजल के हाथों पर मेहंदी लग चुकी थी। तभी उसकी एक फ्रेंड अपने घर जाने लगी तो काजल ने बोला, चल मैं तुझे गेट तक छोड़कर आती हूँ। बातें करते करते वो गली के बाहर चौराहे पर पहुंच गई। उन्हें पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में जब उसे पीपल का पेड़ दिखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो बहुत आगे आ गई थी। तब काजल की फ्रेंड बोली, अरे कितनी पागल है तू, तेरे हाथों पर मेहंदी लगी है और तू घर के बाहर आ गई, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। चल जा, जल्दी घर चली जा वरना आंटी गुस्सा करेंगी। काजल जल्दी से घर वापस आ गई। अगली सुबह हुई, काजल अभी भी सो रही थी। उसकी मम्मी उसे उठाने गई और बोली, बेटा आज तो जल्दी उठ जा, तेरी शादी है आज। काजल आंखें मलते हुए बोली, मम्मी बहुत सर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत जोर से सर पकड़कर बैठा है। काजल की बात सुनकर उसकी मम्मी बोली, शादी का माहौल है ना, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। उठ जा, मैं चाय लेकर आती हूँ, चाय पीकर ठीक हो जाएगा। लेकिन चाय पीकर भी काजल का सर का दर्द पूरा ठीक नहीं हुआ, पर उसने इग्नोर कर दिया कि शायद शादी और शोर की वजह से ऐसा हो रहा होगा। शादी की सारी रस्में खत्म हुई और काजल शादी करके अपने ससुराल चली गई। शादी के एक हफ्ते बाद ही काजल बीमार रहने लगी। उसके सर का दर्द खत्म ही नहीं होता था, वो पूरा दिन रोती रहती थी। उसके ससुराल वालों को लगा शायद काजल को उसके मायके की याद आ रही है, इसलिए वो थोड़ी परेशान है, और वो उसे उसके मायके मिलाने के लिए ले गए। घर में ऐसे अचानक बेटी और दामाद को देखकर मिस्टर पुरी बोले, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना, ऐसे अचानक कैसे? तब काजल का पति बोला, पापा काजल का मन नहीं लग रहा था घर पर, मुझे लगा आप सबकी याद आ रही होगी इसलिए मैं आपसे मिलवाने ले आया। काजल बहुत उदास लग रही थी। उसकी मम्मी उसे कमरे में ले गई और पूछने लगी, क्या हुआ काजल, कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो लोग परेशान करते हैं क्या? इतना सुनकर काजल अपनी मम्मी को गले लगाकर रोने लगी। काजल की रोने की आवाज सुनकर काजल के पापा और उसके पति दोनों कमरे में आ गए। उन सब ने काजल से पूछा क्या हुआ, लेकिन काजल ने कुछ नहीं बताया, वो बस रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो बोली, मैं आप दोनों से कभी अलग नहीं रही ना इतने दिन, इसलिए मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। ये सुनकर काजल के पापा बोले, ओहो तूने तो हमें डरा ही दिया काजल। इतना कहकर वो दोनों बाहर चले गए और उसकी मम्मी ने उसे समझा दिया कि शादी के बाद सबको जाना पड़ता है, कुछ दिनों में मन लग जाएगा। शाम को काजल अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल चली गई। लेकिन बात बस इतनी नहीं थी, काजल के साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी जिसकी वजह से वो इतना परेशान थी कि एक रात करीब 11 बजे काजल और उसका पति सोने के लिए अपने कमरे में गए। उसके पति ने काजल से बोला, काजल लाइट बंद कर दो, लेकिन काजल ने मना कर दिया तो उसका पति खुद लाइट्स बंद करने लगा। तो वो बोली, नहीं लाइट्स मत बंद करना प्लीज। उसने पूछा, क्यों रात में जागरण करना है क्या तुम्हें? तब काजल बोली, अगर लाइट्स बंद कर दी तो वो दोनों आ जाएंगे, प्लीज मत बंद करो ना लाइट्स। उसका पति बोला, अच्छा ओके बाबा नहीं करा लाइट्स ऑफ, पर कौन दोनों आ जाएंगे? काजल बहुत डरी हुई थी। वो डरते डरते बोली, शादी के अगले दिन से ही मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वो दोनों मेरे साथ ही जाते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, अभी भी वो यहीं होंगे। इतना कहकर वो रोने लगी। तब उसके पति ने बोला, अच्छा डरो मत, मैं हूँ नया तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ कौन दो लोग हैं। काजल के बहुत मना करने के बाद भी उसका पति लाइट्स ऑफ करके चला गया। जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई काजल बहुत तेज चीखी, देखो वो बैठे सोफे पर, वो यहीं हैं, जल्दी से लाइट्स ऑन कर दो। काजल को इतना डरा हुआ देखकर उसके पति ने लाइट्स ऑन कर दी और उसने पूछा, कौन है वो दोनों और मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? तब काजल बोली, तुम्हें कैसे दिखाई देंगे, वो मर चुके हैं ना। उसका पति चौंकते हुए बोला,
क्या कैसी बातें कर रही हो? काजल बोली, मैं सच बोल रही हूँ। वो दोनों मुझे बहुत डराते हैं, बोलते हैं मुझे अपने साथ ले जाएंगे। देख लेना, कुछ दिन में या तो मैं पागल हो जाऊंगी या वो मुझे अपने साथ ही ले जाएंगे। प्लीज मुझे बचा लो। देखो देखो देखो, वो मेरे पास आ रहे हैं। इतना कहकर काजल बेहोश हो गई। अगली सुबह तक जब काजल को होश नहीं आया तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर के भी किसी ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हुआ। दो दिन हो गए थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन काजल की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। क्यों हो रहा था काजल के साथ ऐसा? कौन थे वो दो लोग? क्या था उन दोनों का राज? जानने के लिए सुनिए पीपल के भूत का अगला पाठ।